पिछले 2 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की बुकलेट द्वारा गठबंधन तोड़ने को लेकर जो रीजन सामने आया था, उसके बाद उस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आपको चलिए तो दोनों ही नेताओं के द्वारा अपनी अपनी बातें सुनाई गई, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर वापिस पलटवार करते हुए आज उन्हें सार्वजनिक तौर पर आपको चलिए तो बड़ा बयान दिया। आपको चलिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2019 में सपा बसपा गठबंधन तोड़ने को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार रही बयानबाजी के बीच बसा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए इससे तमाम बातों का साझा किया। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व एसएसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया गया, जिसको लेकर उन्हें द्वारा इस पर इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय सोचने वाली बात है। साथ ही लिखा है कि बीएसपी के सैद्धांतिक कारणों से संगठन नहीं आपको गठबंधन नहीं करती है, और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 2019 में हुई गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्म सम्मान सर्वोपरि है। बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधारी गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीति शक्ति बनाने का मोमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन सत्ता की स्मार्ट चाबी प्राप्त करने का आत्मनिर्भर हो सके। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम बातें कही है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव के इतने सालों बाद में सार्वजनिक तौर पर इन पर दिए गए बयान कितना विश्वसनीय है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक लेते हैं विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी